इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओडीआई मुकाबले को टीम इंडिया जीत गई है और उसी के साथ साथ टीम इंडिया इस सीरीज को भी अपने नाम कर चुकी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का धागा ही खोल दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने सिर्फ 8 रन बनाए, लेकिन शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव ने खतरनाक बल्लेबाजी की। सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल ने खतरनाक बल्लेबाजी करके ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के धागे खोल डाले। उसी के साथ साथ शुभमन गिल ने 104 रन की पारी खेली। उसी के साथ साथ श्रेयस अय्यर ने 105 रन की पारी और ईशान किशन ने छोटी सी और खतरनाक पारी 31 रन की पारी खेली। सूर्यकुमार यादव ने 72 रन की पारी खेली। सूर्यकुमार यादव ने 72 रन की पारी 37 गेंदों में खेली। सूर्यकुमार यादव ने इस 72 रन की पारी में 6 छक्कों और 6 चौकियों की मदद से 72 रन की पारी खेली। उसी के साथ साथ रविंद्र जडेजा ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। रविंद्र जडेजा, सूर्यकुमार यादव आखिर में नॉट आउट रहे। उसी के साथ साथ टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 400 रन का टारगेट दे दिया। पानी आने के कारण 33 ओवर में 317 रन का टारगेट दे दिया गया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। डेविड वार्नर ने 53 रन, उसी के साथ साथ मार्नस लबुशन ने 27 रन की पारी खेली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कोई बल्लेबाज ने अच्छी पारी नहीं खेली और ये रन चेस को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चेज नहीं किया है। उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ये सीरीज भी हार गई है और सेकंड ओडीआई मुकाबला भी हार गई है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की ओर से शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और उसी के साथ साथ श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी बनाई और शुभमन गिल ने भी सेंचुरी बनाई। सचिन तेंदुलकर ने इन सभी खिलाड़ियों की तारीफ की और कई दिग्गजों ने इन सभी खिलाड़ियों की तारीफ की। ट्विटर के जरिए कई दिग्गजों ने तारीफ की। तो दोस्तों, शुभमन गिल ने आज जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, 2023 में शुभमन गिल लगातार अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप 2023 में कौन सा खिलाड़ी टीम इंडिया की ओर से खतरनाक और लाजवाब परफॉर्मेंस करने वाला है, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए वर्ल्ड कप 2023 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।